हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक स्पेशल केसेस ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। सो क्या है ये टॉपिक एक बार समझें। इससे पहले अपने क्लिप में पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, तो एक बार आप समझ लें कि वो फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तो उसका आउटकम क्या आया था। उसके आउटकम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो पहले आप पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी उसको समझें। मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं जो एक पॉइंट पर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वेक्टर को हम P वेक्टर और इसे Q वेक्टर मान ले रहे हैं, और इनके मैग्नीट्यूड को रिस्पेक्टिवली P और Q से प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ में इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को प्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में। सो यहां पर इसके मैग्नीट्यूड को आर कंसीडर किया जा रहा है। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल और क्यू वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को थीटा नोटेशन से प्रेजेंट किया जाए अगर, तो क्लियरली इस एंगल को भी थीटा होना चाहिए। और इन सभी टर्म्स के बेस पे जो आउटकम कैलकुलेट हुआ था इससे पहले क्लिप में, वो रिजल्ट अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उससे आगे हम इनके सुपर केसेस पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें कि रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। कुछ इस तरह से दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यूज करके और उनके मैग्नीट्यूड पी और क्यू के टर्म्स में रिजल्टेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम अल्फा और बीटा को प्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए भी फॉर्मूले कैलकुलेट किए गए थे, एक बार वो भी लिख दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखें। टेन अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट हुआ था थीटा पी और क्यू के टर्म में कुछ इस तरह का, यहां ध्यान दें, ये था क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। यहां पर आप ध्यान दें कि रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच के एंगल को जब प्रेजेंट किया जाता है तो जिस वेक्टर के साथ एंगल को मेजर किया जाता है उस वेक्टर में दूसरे के कॉस कंपोनेंट को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और दूसरे वेक्टर के साइन कंपोनेंट को न्यूमरेटर में। तो इस प्रेजेंटेशन के तरीके पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह फॉर्मूला आप इजीली याद कर पाएंगे। यहां पर यह समझें कि अल्फा की वैल्यू जिस फॉर्मेट में दी गई है अगर आप बीटा को भी उसी फॉर्मेट में दें तो यह बनेगा टेन बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। यहां पर आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि पी और क्यू दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे कैलकुलेशन के लिए, तो जब यह एंगल क्योंकि ओर से कैलकुलेट करना था तो मैंने पी और क्यू के रोल एक्सचेंज कर दिए। यानी अगर दो वेक्टर पी और क्यू हैं और उनका रिजल्टेंट आर है तो एंगल को पी से कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट के एंगल को क्यू से कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट हो आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आज की क्लिप में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन से शॉर्टकट्स इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमारी हेल्प करेंगे। सो ध्यान दें कि अगर मैं एक ऐसे सुपर केस की बात करूं जिसमें P वेक्टर और Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो उस कंडीशन में P और Q को सिमिलर लिखने पर यह R का वैल्यू बन जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। यानी मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट
2p² + 2p² cos थीटा, और अगर मैं इसमें से p को कॉमन ले लूं, तो p को कॉमन लेके आउटसाइड रखने पर और 2 को अंडर रूट के अंदर कॉमन रखने पर ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि कई बार एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें इस सुपर केस को यूज करके क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व किया जा सकता है, और ऐसा केवल बेसिक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम में नहीं पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पर बेस्ड कई प्रॉब्लम्स में, या ग्रेविटेशन में अगर आप पहुंचे तो ग्रेविटेशन की कई प्रॉब्लम में फोर्स कैलकुलेशन के समय सिमिलर फोर्सेस पर बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये फॉर्मूला बेनिफिशियल है, इसे आप डायरेक्ट रिमेंबर रखें ताकि आप इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। अब ध्यान दें कि अगर मैं इसे और सॉल्व करूं, यानी कॉस थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली अप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 1 + 2 cos² θ/2 - 1, और फाइनली ये बन जाएगा अंडर रूट 1 से 1 कैंसिल करने के बाद 4 cos² θ/2, और ये हो जाएगा 2p cos θ/2। मैंने 4 cos² θ/2 को अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है और ये बन गया है फाइनली r = 2p cos θ/2। सो इस तरह से रिजल्टेंट की वैल्यू को उस केस के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है जिस केस में दोनों वेक्टर सिमिलर मैग्नीट्यूड के हों। और अब ध्यान से देखें कि इस आउटकम को इस आउटकम से सिंपल देखा जा सकता है। तीन ऐसे केसेस हैं जो हम डायरेक्ट रिमेंबर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। वो क्या है एक बार समझे कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री हो, तो थीटा के 60 डिग्री होने की कंडीशन में इस फॉर्मूले को 2p cos 30, और cos 30 को √3/2 लिखा जा सकता है, और फाइनली कैलकुलेट करने पर 2 से 2 को कैंसिल करके इसे p√3 लिखा जा सकता है। सो 60 डिग्री एंगल के केस में रिजल्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू p√3 लिखा जा सकता है। सो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो एक दूसरे केस में, तो 90 डिग्री अप्लाई करने पर यह बन जाएगा 2p cos 90/2, यानी 2p cos 45, और अब 2p cos 45 यानी 1/√2 को सॉल्व करने पर यह आउटकम आ जाएगा r = p√2, यानी 60 डिग्री और 90 डिग्री के केस में अगर सिमिलर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पे परफॉर्म कर रहे हो, तो 60 डिग्री के केस में r = p√3 और 90 डिग्री के केस में r को p√2 के रूप में डायरेक्ट याद किया जा सकता है। एक तीसरे केस पर और डिस्कस करेंगे जो इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम थीटा की वैल्यू को 120 डिग्री अप्लाई करें, अगर दो वेक्टर सिमिलर मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 120 डिग्री पर परफॉर्म कर रहे हो, तो हम इसे cos 120/2 यानी cos 60 लिख सकते हैं, और तब इसे सॉल्व करने पर r का वैल्यू p के इक्वल आ जाएगा। यानी इस केस में आप रिजल्टेंट को किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जैसा ही देख पा रहे हैं। यह आउटकम हमें बताता है कि अगर 120 डिग्री पर दो वेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है जितने मैग्नीट्यूड के वो दोनों वेक्टर होते हैं। सो इस रिजल्ट को ध्यान से समझें। अब किस तरह से इन्हें प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना होता है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। सो अगर मैं इस केस को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल तैयार करूं, तो कुछ इस तरह से समझे कि 10 m/s मैग्नीट्यूड से एक वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक दूसरे वेलोसिटी वेक्टर को इसके साथ ऐड किया जा रहा है जो इससे 120 डिग्री पे परफॉर्म कर रही है। सो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करें, तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा।
आप समझ सकते हैं कि 120 डिग्री के इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण आप रिजल्टेंट को पी यानी 10 मीटर पर सेकेंड ही लिख पाएंगे। और ये कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट इनका एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन ही होना चाहिए। सो 10 मीटर पर सेकेंड की एक वेलासिटी इन दोनों के रिजल्टेंट के रूप में इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में प्रेजेंट की जा सकती है। अब अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और मान लें कि इन दोनों के बाइसेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर और अप्लाई हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड होगा। सो उस 10 मीटर पर सेकेंड और इस 20 मीटर पर सेकेंड के कैलकुलेशन से रिजल्टेंट को पता लगाया जा सकता है। सो इस तरह के फॉर्मूले जिनसे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं काफी बेनिफिशियल होते हैं कई कई केसेस। कुछ केसेस और हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट को 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिजल्टेंट किया जाना है। आप यहां पर ध्यान दें, ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं जिन्हें मैंने ओरिएंट किया है 60-60 डिग्री एंगल बना के। कुछ वेक्टर्स में इसमें और ऐड कर दे रहा हूं इसी पैटर्न में, आप ध्यान से देखें और आप देख पा रहे हैं कि मैं लगातार इन वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि जो डायग्राम बनाया जा रहा है वो अप टू स्केल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली लेंथ को सेट किया जाता है। तो यहां पर हम एरो से डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड को नंबर लिख के प्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर बिना स्केल के हम उतना अप टू मार्क नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया डेवलप करने के लिए मैं इनकी लेंथ को थोड़ा कम ज्यादा शो कर देता हूं। ये मान लीजिए 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ये 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है जो कि 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट का लेंथ इससे थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पर आप ध्यान दें कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप इस तरह से प्रेजेंट करें, आप सिमिलर लेंथ की लाइन ड्रॉ करके ये कह सकते हैं कि एरो बना के डायरेक्शन को शो किया जा रहा है इस लाइन से, लेकिन मैग्नीट्यूड को नंबर्स के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप अप टू स्केल नहीं बना रहे हैं तो ऐसा लिख करके एडजस्ट किया जा सकता है कि इसको। फिलहाल मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए इनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के कारण इनकी लेंथ को डिफर कर दे रहा हूं। सो अब अगर हमको इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, ये सभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, तो सिंपली हम इसे कैसे कर पाएंगे, एक बार आप ध्यान से देखें कि जो 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं उनका रिजल्टेंट बहुत सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है और 1 मीटर इसके अपोजिट है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायरेक्ट डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। सो इस 4 मीटर और 1 मीटर के रिजल्टेंट के रूप में एक 3 मीटर वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहे। अब मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना दे रहा हूं जिसे मैं 3 मीटर मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं। 5 मीटर और 2 मीटर के अपोजिट होने के कारण इस डायरेक्शन में भी 3 मीटर के एक वेक्टर को प्रेजेंट किया जा सकता है, और ऐसा ही किया जा सकता है 3 मीटर और 6 मीटर के लिए। सो अब आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में जो 6 वेक्टर्स दिए थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के रूप में, वो चेंज होके 3 3 मीटर के 3 नए वेक्टर बन चुके हैं, और इस 3 मीटर और इस 3 मीटर को एक दूसरे के साथ 120 एंगल बनाता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करें इस क्वेश्चन में, तो हम देख पा रहे हैं कि 120 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सो अगर मैं इस 3 मीटर और इस 3 मीटर का रिजल्टेंट लिखूं तो इसे इस बाइसेक्टर की डायरेक्शन में 3 मीटर ही होना चाहिए, और फाइनली इस 3 मीटर और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट के आउटकम को 6 मीटर लिखा जा सकता है। सो इस तरह से आप कई वेक्टर्स का रिजल्टेंट इन फॉर्मूलों की हेल्प से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर ये ध्यान दें कि ये स्पेशल केसेस कुछ एंगल पर ही मैं बना रहा हूं,
हालांकि इसे 45 डिग्री पर भी निकाला जा सकता है, बट हर आउटकम उतना सिंप्लीफाइड नहीं होगा जितने ये तीन है। इसीलिए केवल इन तीन केसेस को मैंने आपके सामने रखा है। अदर केसेस के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, उन केसेस में जहां दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और फॉर्मल केसेस में आप अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा को यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करके हमें कई कई क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलती है, और यही वजह है कि हम इस टॉपिक पर एक अलग क्लिप तैयार कर रहे हैं ताकि आप इसे एक बार क्लियरली समझ सकें। थैंक यू।